एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार और एक साहूकारनी रहते थे। वे दोनों धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इनके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसन के घर गई तो उसने देखा कि पड़ोसन गणेश जी महाराज की पूजा कर रही है। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा कि बहन, तुम ये क्या कर रही हो, किस देवता की पूजा कर रही हो और इसके करने से क्या होता है। तब पड़ोसन बोली कि यह गणेश जी महाराज की मैं पूजा कर रही हूँ। गणेश जी महाराज की पूजा करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सभी मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा कि यदि मेरा गर्भ ठहर जाए तो मैं भी सवा शेर का भोग गणेश जी महाराज को लगाऊंगी। तब गणेश जी महाराज की कृपा से साहूकारनी का गर्भ ठहर गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाएगा तो मैं 250 शेर का भोग गणेश जी महाराज को लगाऊंगी। कुछ दिनों के बाद उसके लड़का भी हो गया तो फिर साहूकारनी बोली कि हे गणेश जी महाराज, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो मैं 125 शेर का भोग आपके चढ़ाऊंगी। कुछ वर्षों के बाद उसके बेटे का विवाह भी तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला, लेकिन उस साहूकारनी ने गणेश जी महाराज को भोग नहीं लगाया, जिससे गणेश जी महाराज क्रोधित हो गए और सोचने लगे कि यह साहूकारनी भोग पे भोग बोले जा रही है और कुछ भी चढ़ा नहीं रही है। तब गणेश जी महाराज को क्रोध आया और उन्होंने फेरों से पहले ही उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो तो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। उधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ जंगल में खेलने व पूजन करने गई थी, तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अदब्याही दुल्हन। यह बात सुनकर जब लड़की घर गई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूखकर काटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूखती जा रही है। ऐसा तब लड़की ने अपनी माँ से कहा कि माँ, जब भी मैं जंगल में अपनी सहेलियों के साथ जाती हूँ तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अदब्याही दुल्हन, उसने मेहंदी लगा के रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, यह तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो, मेरी बेटी तो अदब्याही कर दी और अब क्या लेना चाहते हो। तब साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने गणेश जी महाराज के भोग बोला था, लेकिन अभी तक भी चढ़ावा नहीं चढ़ाया, जिससे गणेश जी महाराज नाराज हो गए और मुझे यहाँ फेरों से उठाकर बैठा दिया। तब यह बात सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उनसे पूछा कि आपने गणेश जी महाराज के कुछ बोला था। तब साहूकारनी बोली कि हाँ, मैंने गणेश जी महाराज के भोग बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो मैं 250 मन का चढ़ावा गणेश जी महाराज को चढ़ाऊंगी।
इससे गणेश जी महाराज प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी का बेटा एवं बहू घर आ गए, तब साहूकारनी ने 2.5 मन का भोग गणेश जी महाराज को चढ़ाया, जिससे गणेश जी महाराज खुश हो गए और गणेश जी महाराज के आशीर्वाद से बेटा बहू सकुशल राजी राजी अपने घर आ गए और सभी प्रेम से रहने लगे। तो बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो।